फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो गाइज, आप सब आई होप आप सभी ठीक होगे। तो गाइज यार, आप देख सकते हो मौसम काफ़ी ख़राब है। तो आज मैं दादू के साथ जा रहा हूँ उनके सिस्टर के घर। तो दादू ने कहा कि तू भी चल पड़ा आज मेरे साथ, तो मैंने सोचा मैं कहा चल लेते हैं, ब्लॉग वगैरह बन जाएगा साथ में। तो दादू को तो करीबन घर से निकल के आधा घंटा हो चुका है, तो मैं भी आ ही गया था। तो रास्ते में मुझे मेरा अपना फ्रेंड मिला विनोद शर्मा, तो देहरादून में रहता है भाई, तो आज काफ़ी टाइम बाद घर आया, तो थोड़ा 10-15 मिनट उसके साथ बैठ गया। तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं, तो बहुत दूर जाना है यार गाइस, बहुत ज़्यादा दूर, और पैदल ही जाना है। तो देखते ज़रा पारली सड़क से ज़रा हमारे को गाड़ी गुड़ी मिलती है कुछ या नहीं मिलता है। तो अभी तो पैदल ही जाना है, अभी तो जाता हूँ जल्दी जल्दी से दादू को ढूंढता हूँ ज़रा कितने दूर चले गए दादू। तो मिलते हैं फिर आगे। तो आप व्यू देख सकते हो गाइज, मौसम ख़राब है, अभी करीबन शाम के 3:30 बज चुके हैं। तो दादू को देखते हैं ज़रा दादू कहाँ पहुँचे, जल्दी जल्दी जाते हैं यहाँ से, मौसम भी ख़राब हो चुका है, बस बारिश ना आए, बाकी तो ठीक है। तो अब दिखे दादू, भाग भाग के बुरे हाल हो गए मेरे। दादू आगे चले, तो चलते हैं दादू के पास जल्दी, पकड़ते हैं उनको। देखो गाइस, मैंने दादू को पकड़ दिया, हेलो। तो दादू जी को पकड़ दिया, अभी चलते हैं अभी यहाँ से। दादू कितना टाइम लगेगा हमारे को यहाँ से पैदल पहुँचने में? लग जाने तो 2-2.5 घंटे। उफ़, तो गाइस देख सकते हो आप, 2-3 घंटा लगना है पैदल चलने में। तो अभी हमारे को जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, मौसम भी ख़राब हो चुका है ना, पूरा मौसम ख़राब हो चुका है, बस बारिश ना आए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस करीबन 3-3.5 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं, तो अभी सड़क में पहुंच चुके हैं। तो दादू भी चले आगे। तो गाइस यार, उम्मीद तो ये है कि कुछ गाड़ी वगैरह मिल जाती है यहाँ से, तो काफ़ी सफ़र बच जाना था पैदल चलने से। तो 2-3 घंटे अभी यहाँ से भी लगेगा दादू बोल रहे थे, तो चलते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यार गाइस उनके घर, तो चल ले रहते फिर आराम आराम से पहुँच ही जाएंगे शाम तक। तो अभी थोड़ा सा मौसम खुला, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने इतने सारे गिद्ध इकट्ठे देखे यार गाइस, वाओ। गाइज आप देख सकते हो, मौसम ने पूरा माहौल बारिश का बनाया है, बस उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना हो। बारिश हुई तो बस बुरे हाल, इधर से छत्ता वगैरह भी नहीं लाया कुछ, पूरा माहौल बिगड़ चुका है मौसम का। तो गाइज आप देख सकते हो जो ये टावर है, टावर के साथ ही नीचे को घर है परली साइड, तो इतना आ चुके हैं हमें अभी, तो अभी भी बहुत ज़्यादा दूर जाना है। आप व्यू देख सकते हो यार गाइस, व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है यहाँ से, चारों तरफ बादल ही बादल, पार तो उस चोटी पे बर्फ़ भी दिख रही है, मैं जूम करता हूँ शायद दिखे ना दिखे। उम्मीद है बस बारिश ना हो, बाकी तो आराम आराम से चले जाएंगे। तो गाइज अभी पहुँचे हम अपनी जागा माता के मंदिर के साथ, ये हमारी जागा माता का मंदिर है। थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही है, बस ज़्यादा ना आए, नहीं तो भीग के बुरेहाल हो जाएंगे। व्यू यार गाइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, चारों तरफ बादल ही बादल, चारों तरफ मतलब पूरे पहाड़ ढके हैं बादल से। करे बारिश तो रुकी यार गाइज, मुझे तो डर लग गया था कि बारिश अगर आ जाएगी अब फिर भीग के बुरा हो जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ चौपाल की लोकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू दिख रहा है यहाँ पर चौपाल का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा पार चौपाल, जहाँ पे बर्फ पड़ी है, बहुत ही ऑसम व्यू दिख रहा है यार गाइज यहाँ से, तो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो अभी हमारे को जाना है जो ये चोटी दिख रही है इससे परली साइड जाना है अभी, चौपाल का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है यार गाइज यहाँ से। आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है बर्फ़ पहाड़ पे,
ऊपर चोटी पे बसा है चौपाल। तो अभी मैंने और दादू ने ले लिया है कुरकुरा खाने के लिए, तो ऐसे ही चलते चलते सफ़र भी कट जाएगा। अभी मुझे मामू की कॉल आई थी कि वो कह रहे थे कि जहाँ पर तुम लोग हैं वहीं पर वेट करो, तो फिर वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो अभी हम उनका वेट करते हैं। तो यार शुक्रिया यार गाइस, गाड़ी का थोड़ा सा प्रबंध तो हुआ, क्योंकि यहाँ पर थक के तो बुरे हाल हो चुके थे हमारे पर, बट पहुँच तो जाने थे, अब तो ज़्यादा दूर नहीं रहा वैसे भी, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता रहा है, तो गाड़ी से हार्डली कोई 10-15 मिनट ही लगेंगे। तो अभी हम उनका वेट करते हैं, फिर जल्दी से जल्दी वो आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट घर में मिलते हैं। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मामू आ ही चुके हैं गाड़ी लेके। तो अब हम यहाँ से मामू के साथ जा रहे हैं, बस जल्दी पहुँच जाए उम्मीद तो यही है। रात भी होने ही वाली है, जो रोड वाला रास्ता है तो ये थोड़ा लंबा है काफ़ी, बाकी जो शॉर्टकट था पैदल वाला तो शायद हम इस टाइम पे तो पहुँच जाने से, बस देखते हैं ज़रा कब तक पहुँचते हैं। तो बस अब थोड़ा सा रह चुका है, शायद 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो पूरी रात हो चुकी है, बस थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं वहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो एकदम से पूरी रात हो चुकी है, अंधेरा काफ़ी पड़ चुका है, अभी यहाँ पे पहुँचे हम, तो ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है बाकी। तो गाइस यार अभी हम यहाँ पर पहुँचे, अभी खाना वगैरह खाने जाते हैं, तो फिर रेस्ट वगैरह करते हैं, इसके बाद ब्लॉग वगैरह एडिट भी करना है, तो दादू तो चले गए अभी खाना खाने। तो गाइस यार मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तो कल सुबह मैं आपको यहाँ का व्यू वगैरह दिखाता हूँ, कैसा व्यू दिखता है यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखता है। तो ठंड वगैरह अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जल्दी मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।